Assalamualaikum dear students, my name is Mohammed Daud. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जिसको हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं. बेसिकली आज की वीडियो में अल्कली अर्थ मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इन एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन और इस ग्रुप के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को हम वो डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट. जो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स है इसको अल्कली अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं. एक तो ये है कि आप जान लें कि इनको अल्कली अर्थ मेटल्स जो है वो क्यों बोलते हैं. अल्कली का मतलब है एशिज. अब बेसिकली ये प्लांट एशिज में पाए जाते हैं. पहले जो टाइम था बहुत सारे ये अल्कली मेटल्स जो है ये एशिज में वो मौजूद थे, इस वजह से इसको जो है अल्कली मेटल्स वो बोलते हैं. दूसरी बात ये कि दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स विच रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलाइन सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर सोडियम का ऑक्साइड है जो परऑक्साइड भी बनाता है, ऑक्साइड भी बनाता है. अब जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, या इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं. मतलब ये है कि इसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होता है. तो बेसिक सॉल्यूशन बनाने की वजह से इसको अल्कली मेटल्स जो है वो बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट है इसमें हाइड्रोजन को भी इंक्लूड किया गया है. इसको जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ जो रेजेम्बलेंस है हाइड्रोजन की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, इस वजह से इसको रखा गया है. अगर चे ये हाइड्रोजन जो है ये क्या चीज है, दिस इज अ नॉन मेटल. तो अगर अल्कली मेटल्स की बात हो रही है तो वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और प्रांचियम इनकी बात हो रही है. यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को इसलिए मेंशन किया है कि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स में है या नहीं है. हाइड्रोजन जो है ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है. इसके अलावा अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पर ये एलिमेंट है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो इन इस ग्रुप में होते हैं वो एक होते हैं. इसके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1 होगी. मतलब ये कि अगर हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन को आप देखें वो है 1s1, एटॉमिक नंबर 1 है. लिथियम 1s2, 2s1, फिर देखें NS1 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है. सोडियम की देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो ये 3s1 है. 1s1, 2s1, 3s1. सिमिलरली पोटाशियम का आप देखें 4s1, रुबिडियम का आप देखें वो 5s1, सीजियम का आप देखें 6s1, फ्रांशियम का आप देखें वो 7s1 आएगा. तो मतलब ये है कि इसकी जो वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन है NS1. मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है. रिमेम्बर फ्रांशियम जो एलिमेंट है, ज्यादातर हम आगे जो है वो जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हम फ्रांशियम को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि फ्रांशियम जो है इट इज द सेकंड रेयर एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर स्टार्टिंग. एक बात. दूसरी बात ये कि ये रेडियो एक्टिव भी है, इसका हाफ लाइफ राउंड अबाउट 22 मिनट्स होता है. इसके अलावा जो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स है जितने सारे ये हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. इसको याद करने के लिए एक आसान सा तरीका भी है कि इन एलिमेंट्स के नाम को अगर आप याद करना चाहे तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, हाय लेला ने की रब से फरियाद. हाय लेला ने की रब से फरियाद. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं. इसके अलावा इसके एटॉमिक नंबर को याद करने का आसान तरीका मैं आपको समझाता हूं कि ये 1 है तो इसके बाद इसके साथ 2 ऐड करें तो ये 3 आ जाएगा. 3 के साथ अभी आपने 8 ऐड करना है क्योंकि इसके बाद p भी आ जाता है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें p भी आ जाता है, तो 2s भी है और 2p भी है. p में 6 आते हैं और इसमें 2, तो 3 के साथ फिर 8 ऐड करें तो 11 आ जाएगा. 11 के साथ फिर 8 ऐड करें तो 19 आ जाएगा क्योंकि 3s और 3p भी आ गया साथ में. तो 1, फिर इसके बाद इसके साथ 2 ऐड करें तो 3, 3 के साथ 8 ऐड करें 11, 11 के साथ 8 ऐड करें 19, और 19 के साथ फिर आपने 18 को ऐड करना है. क्यों 18 को ऐड करना है, क्योंकि यहां पर रुबिडियम में फिर डी सब शेल भी जो है वो आ जाता है. तो 18 2s में, 6 जो है p में और 10 डी में, तो 18 आपने ऐड करना है. 37 के साथ फिर दोबारा 18 ऐड करें
तो 55 और 55 के साथ 18 प्लस 14 दोनों आपने ऐड करना है। अब यहाँ पर 14 आपने क्यों ऐड करना है, क्योंकि जो लैंथनाइड्स एक्टिनाइड्स वाले 14 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, जो नीचे ए ब्लॉक में आ जाते हैं, तो वो 14 आपने ऐड करने हैं और साथ में आपने 18 को भी वो ऐड करना है। तो इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जिसके जनरली वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि दे आर हाईली रिएक्टिव एंड आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है, सो ड्यू टू देयर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर दे हैव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी अगर इसकी कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी अगर इसकी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसके अलावा इसका एटॉमिक साइज जो है वो लार्ज है, दे हैव लार्ज एटॉमिक साइज एंड हेंस ओनली वन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब अगर देखें आप कि एटॉमिक साइज भी वो लार्ज है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम आते हैं, हमने डिस्कस किया एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मतलब ये पीरियडिक टेबल के वो लेफ्ट में सबसे पहले है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है जो ग्रुप फर्स्ट ए है, सेकंड ए है और फिर बी ब्लॉक है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसका साइज भी इन सब एलिमेंट्स में रिलेटिवली अपने अपने पीरियड मेंबर में वो सबसे ज्यादा है, इस वजह से इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो मतलब ये कि ये आसानी से लॉस कर सकता है, कम आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी। ऑल हैव मेटालिक फोर्सेस कंपैरेटिवली वीकर देन अदर मेटल्स एंड दस दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट इट विद द लाइट। जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि साइज बड़ा है जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी कम है, और यही वजह है कि इसका मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीकर है अदर मेटल्स के मुकाबले में, और इतने सॉफ्ट है कि हम इसको चाकू या छुरी से वो काट भी सकते हैं, और ड्यू टू देयर वीक फोर्सेस दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी ड्यू टू इट्स लार्जर साइज। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जिस तरह हमें पता है कि डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, जितनी फोर्सेस वो स्ट्रांगर होगी उतनी जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होगी। अब चूंकि मेटालिक बॉन्ड इसका वीक है, क्यों वीक है, इसका साइज जो है वो बड़ा है इन एलिमेंट्स का, तो इस वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वीक है, और डेंसिटी भी कम है चूंकि वॉल्यूम ज्यादा है और लार्ज साइज होने की वजह से। एज दे आर रिएक्टिव सो दे नीड्स टू बी हैंडल्ड केयरफुली। रिमेंबर इन एलिमेंट्स को आपने बहुत केयरफुली बहुत एहतियात से इनको हैंडल करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको जो है रुबिडियम या सीजियम जो है वो लेबोरेटरी में नहीं मिलेगा। जो लिथियम है इट इज स्टोर्ड इन पेट्रोलियम जेली, सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, पोटाशियम को केरोसिन ऑयल के साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखते हैं, रुबिडियम और सीजियम को हम वैक्यूम ट्यूब में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इस वजह से अगर ये एटमॉस्फेयर को वो एक्सपोज हो जाए तो वो जल्दी जो है ये रिएक्ट करते हैं, इनके रिएक्शन जो है बहुत वायलेंट होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। और ये मैंने आपको बात बताई कि प्रांचियम जो है वो रेडियोएक्टिव है। रिमेंबर सीजियम जो है, सीजियम के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज अमंग वन ऑफ द फाइव मेटल्स दैट आर लिक्विड और नियर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 28.5 डिग्री सी। आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट अगर रूम टेम्परेचर से कम हो तो फिर वो लिक्विड होगा, तो सीजियम की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो है वो रूम टेम्परेचर के करीब है, इस वजह से वन ऑफ द मेटल्स जिस तरह मर्करी को आप देंगे वो भी लिक्विड है, तो सीजियम इज अमंग वन ऑफ दीज मेटल्स विच इज आर नियर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।